नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जारी घोषणा पत्र में ये मुद्दा उठाया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किसी ऐसे आदमी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया जा सकता है जिसने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया हो और देश का खुलकर विरोध किया हो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। हम आपको बताते हैं पूरी सच्चाई, मामला क्या है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 7 अगस्त 1942 को बंबई यानी आज के मुंबई में हुई बैठक में एक क्रांतिकारी प्रस्ताव पारित किया था। इसमें अंग्रेज शासकों से तुरंत भारत छोड़ने की मांग की गई थी। अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव के साथ साथ कांग्रेस ने गांधी जी को इस आंदोलन का सर्वे सर्वा नियुक्त किया। कांग्रेस ने आम लोगों से आह्वान किया कि वे हिंदू मुसलमान का भेद छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ एक हो जाएं। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और सरकार से पूर्ण असहयोग का आह्वान किया। अब जानिए हिंदू महासभा के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर ने उस मौके पर क्या किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने खुलेआम दमनकारी अंग्रेज शासकों की मदद की घोषणा की। सावरकर ने 1942 में हिंदू महासभा के कानपुर अधिवेशन में गोरे शासकों के साथ, याद रखिएगा मैं कोट कर रहा हूं, उत्साहपूर्वक अनुकूल सहयोग नीति अपनाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा, सरकारी प्रतिबंध के तहत कांग्रेस एक खुले संगठन के तौर पर राजनीतिक मैदान से हटा दी गई है। अब राष्ट्रीय कार्यवाहियों के संचालन के लिए केवल हिंदू महासभा ही मैदान में रह गई है। हिंदू महासभा के मतानुसार व्यावहारिक राजनीति का मुख्य सिद्धांत अंग्रेज सरकार के साथ उत्साहपूर्वक अनुकूल सहयोग की नीति है। इसके अंतर्गत बिना किसी शर्त के अंग्रेजों के साथ सहयोग, जिसमें हथियारबंद प्रतिरोध भी शामिल है। सावरकर ने किस हद तक भारतीयों के दमन में अंग्रेजों का साथ देने की बात तय की थी, इसका अंदाज उनके इन शब्दों से आप लगा सकते हैं। सावरकर ने कहा, हिंदू महासभा का मानना है कि उत्साहपूर्वक अनुकूल सहयोग की नीति ही हर तरह की व्यावहारिक राजनीति का प्रमुख सिद्धांत हो सकती है, और इस लिहाज से इसका मानना है कि पार्षद, मंत्री, विधायक, नगर पालिका या किसी सार्वजनिक संस्था के किसी भी पद पर काम करने वाले जो हिंदू संगठनवादी दूसरों के जायज हितों को चोट पहुंचाए बिना हिंदुओं के जायज हितों को आगे बढ़ाने के लिए या उनके सुरक्षा के लिए सरकारी सत्ता के केंद्रों का उपयोग करते हैं, वे देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। सावरकर ने तो यहां तक घोषणा कर दी कि उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ कथित संयुक्त मोर्चे को तोड़ने में भी परेशानी नहीं होगी। इससे उनका मतलब यह था कि कांग्रेस के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा था, उसे तहस नहस करने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वही सावरकर हैं जिन्होंने काले पानी की सजा होने पर अंग्रेज सरकार से माफी मांगी थी और कहा था कि उन्हें रिहा कर दिया गया तो वे कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ किसी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे और उनके वफादार होकर रहेंगे। अंग्रेजों ने सावरकर को रिहा तो कर ही दिया, उन्हें पेंशन दी, और जी हां, सावरकर ने वो पेंशन आजीवन ली। सवाल यह है कि आजादी के आंदोलन में जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने में शासकों की मदद की, उस आदमी को आप देश का सर्वोच्च पुरस्कार कैसे दे सकते हैं। लेकिन मामला यह भी है कि सावरकर बीजेपी का आइकॉन है, बीजेपी सरकार में है और उसके पास प्रचंड बहुमत है। उसे मर्जी वो जिसे चाहे पुरस्कार दे, उसे मर्जी वो जो चाहे करे। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।